हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ जो थे वो इंडियन एजुकेशन के बारे में किस तरह की थिंकिंग रखते थे। ओके, जो आज हम इतनी सिंपल एजुकेशन को देखते हैं कि जो हमारी एजुकेशन चल रही है इस टाइम वो कैसे डेवलप हुई। ओके, तो इस चैप्टर में आपको इंडियन एजुकेशन बिफोर द ब्रिटिश, एजुकेशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश एंग्लिसिस्ट एंड द ओरिएंटलिस्ट, एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, केस स्टडी बड़ौदा एंड अलीगढ़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिजीनियन एजुकेशनल सिस्टम, इंडिजीनियस एजुकेशनल सिस्टम, जो यहाँ का देसी एजुकेशनल सिस्टम था वो कैसा था। The indigenous system of education in India comprised the pathshala, elementary education, schools and the madrasas. जो हिंदूज थे predominantly studied in the pathshalas. वो उसमें पढ़ते थे पाठशाला में, और जो मुस्लिम्स थे वो कहाँ पढ़ते थे, मदरसाज। As education was considered a taboo for the girls, the boys enjoyed the privilege of going to a school. उनके लिए, गर्ल्स के लिए क्या था, स्टडी जो थी एक तरह से टैबू थी, गर्ल्स को नहीं पढ़ने देते थे और बॉयज़ फुली इंजॉय करते थे। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको माना जाता था कि ये सिर्फ घर के कामकाज के लिए हैं। सम चिल्ड्रन आल्सो वेंट टू द गुरुकुल्स, और कुछ जो बच्चे थे वो कहाँ जाते थे, गुरुकुल्स में, विच वर समवॉट लाइक मॉडर्न डे रेजिडेंटल स्कूल। इस टाइम पे उनको क्या बोलते हैं आप, रेजिडेंटल स्कूल, वही उस टाइम पे क्या थे, गुरुकुल के नाम से जाने जाते थे। द एजुकेशन इम्पार्टेड इन दीज प्लेसेस डिड नॉट हैव अ फिक्स सिलेबस, उनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता था। इन द गुरुकुल सिस्टम टीचिंग वॉज मेनली बेस्ड अपन रिलीजियस स्क्रिप्चर, रिलीजियस आपके धर्मों पर ही बेसिस थी। मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वर नॉट टॉट, इस टाइप के जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हैं, साइंस वगैरह, ये नहीं पढ़ाई जाती थी। द ब्रिटिश वर नॉट कंटेंट विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर इंडिया, दे वॉन्टेड टू प्रोड्यूस ए क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हु कुड होल हार्टेडली सबमिट देमसेल्फ टू द कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर केवल इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे यहाँ के जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो अपने दिल से, ठीक है, हमारे रूल को एक्सेप्ट करें। दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन एज वेल एज मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। और अपने इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने क्या नाम दिया था, सिविलाइज्ड मिशन। ओके, इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने नाम दिया सिविलाइज्ड मिशन, विच एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम थ्रू रेशनल एंड साइंटिफिक थॉट। डिड यू नो, इनिशियली द ब्रिटिश डिड वेरी लिटिल टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया, बहुत ही कम चाहते थे कि वहाँ यहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, ऐसा चाहते नहीं थे वो, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। अर्ली ब्रिटिश एफर्ट वर कन्फर्म टू पैट्रोनाइजिंग द इंडिजियस एजुकेशन, वैरन हास्टिंग्स इस्टेब्लिश्ड द कैलकटा मदरसा इन 1781 टू टीच मुस्लिम लोग। वैरन हास्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया था 1781 में मुस्लिम लॉ पढ़ाने के लिए, एंड इन 1791 द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड एट बनारस बाई जॉनथन डंकन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ संस्कृत। नेक्स्ट है आपका एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। द डिसीजन टू रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड डिवीजन अमंग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। जो इंडियन एजुकेशन थी उन्होंने, ब्रिटिश ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंग्लिसिस्ट, एक ग्रुप था एंग्लिसिस्ट और दूसरा था ओरिएंटलिस्ट। द ग्रुप विच सपोर्टेड
द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन वॉज कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट, जो पुराने ही अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे? ओरिएंटलिस्ट। और एंड द ग्रुप वॉज विच आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे वो थे आपके एंग्लिसिस्ट। विलियम जॉन्स जो थे 1783 में कलकत्ता आए थे। वो विलियम जॉन्स वॉज अ मेजर ओरिएंटलिस्ट थिंकर, ए ग्रेट स्कॉलर। ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट इंडियंस एंशियंट टेक्स्ट टुगेदर विद अदर इंग्लिश मैन सच एज हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथन बेसे हेलहेड। 1783 में विलियम जॉन्स जो थे कलकत्ता आए थे और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था उसमें, एक जूनियर जज बना दिया गया था। जॉन्स ने यहाँ पर आके देखा कि उस समय जो है कलकत्ता में और भी जो अपॉइंट थे ऑफिसर्स वो इंडियन कल्चर में बहुत दिलचस्पी रखा करते थे। तो कौन थे उनमें? हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड। ये भी जो थे क्या इंडियन भाषाएं, जो इंडियन लैंग्वेज थी उन्हें सीखकर उनका संस्कृत में और फारसी भाषा में उनको चेंज कर रहे थे। तो इन लोगों ने एक साथ मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 में इस्टेब्लिश की। इन तीनों ने मिलकर, विलियम जॉन्स ने, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड ने, दे आल्सो स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। द ओरिएंटलिस्ट लर्न संस्कृत अलोंग विद सम अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ये संस्कृत के साथ साथ और अदर लैंग्वेज भी सीख रहे थे। दे आल्सो ट्रांसलेटेड सेवरल एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारे यहाँ के जो टेक्स्ट थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दे स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज सच एज अरेबिक, पारसियन एंड द संस्कृत। इन 1800 द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज सेट अप वेयर द इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स वर ट्रेंड इन इंडियन ट्रेडिशनल एंड कस्टम। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप किया गया जिसमें क्या किया जाता था, ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट थे उनको समझने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मैन स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर द प्रमोटिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही बहुत सारे ऐसे अंग्रेज ऑफिसर्स थे जो इनको अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे। उनका ऐसा मानना था, पढ़े लिखे तो लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग पढ़े, ठीक है, वहाँ पर इंडियन के अकॉर्डिंग ना पढ़े, इंडियन टेक्स्ट ना पढ़ाया जाए, वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाए जाए। उनका मानना था कि यहाँ का जो नॉलेज है लोगों की वो बहुत गलतियों से भरी पड़ी है और बेकार की नॉलेज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको सिखाया जाए। उसमें सबसे एक मेन थे आपके जेम्स मिल। कुछ इंडियंस भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, देवर, और इनको क्या बोलते हैं, एंग्लिसिस्ट। जो उसके अपोजिट थे वो थे एंग्लिसिस्ट, एंग्लिसिस्ट थे। और सम एजुकेटेड इंडियंस सच एज राजा राम मोहन रॉय आल्सो सपोर्टेड देम एज दे बिलीव दैट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प टू इरिडिकेट एविल प्रैक्टिस एंड सपोर्टिसन फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। वो राजा राम मोहन रॉय जो है वो सपोर्ट में थे इंग्लिश एजुकेशन के। उनका ऐसा मानना था कि जब यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन आएगी तो यहाँ पर जो बहुत सारी बुराइयाँ हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। द क्रिश्चन मिशनरीज आल्सो इंस्टीड ऑफ द ऑन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड द क्रिश्चन मिशनरीज आल्सो इंसिस्टेड ऑन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया थ्रू इंग्लिश। जो क्रिश्चन मिशनरीज थी वो भी चाहती थी कि यहाँ की जो एजुकेशन है उसको इंग्लिश के थ्रू ही प्रमोट किया जाए। द मिशनरीज बिलीव दैट इंग्लिश एजुकेशन वुड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। वो सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है किस चीज़ में हेल्प करेगी इंडियंस को
क्रिश्चियन बनाने में हेल्प करेगी और वो अपने आप ही क्रिश्चियन जो उनका रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इनफैक्ट ए लॉ वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1850 टू मेक कन्वर्सन ईजियर। इसी के लिए एक 1850 में एक लॉ और बना दिया गया जिससे ये काम और आसान हो गया। एन इंडियन हु वुड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी वुड बी एबल टू इनहेरिट हिज एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। उन्होंने ये कर दिया कि जो भी इंडियन है क्रिश्चियनिटी अपनाएगा, मतलब क्रिश्चियन धर्म को अपना लेगा, उसको वो कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। द मिशनरीज परस्यूडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक सम कंक्रीट स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म्स।